वोट उसी को जाएगा जो मंदिर बनाएगा। नारेबाजी करते ये हैं युवाओं की आवाज। अर्ध कुंभ से पहले युवा कुंभ में लखनऊ पहुंचे युवाओं ने राम मंदिर की मांग को लेकर जमकर नारेबाजी की। नारेबाजी के वक्त मंच से गृह मंत्री राजनाथ सिंह का भाषण चल रहा था, तभी मंदिर को लेकर नारे उठने लगे। नारे का शोर इतना तेज था कि राजनाथ सिंह को भाषण बीच में ही रोकना पड़ा। राजनाथ माइक के सामने चुप थे और नीचे नारेबाजी चल रही थी। नारेबाजी को देख मंच से लगातार नारे लगाने वालों को चुप कराने की कोशिश की गई। अनाउंसमेंट होता रहा। काफी समझाने पर युवा कुंभ में आए नौजवानों का शोर तो थम गया, लेकिन मंच पर विराजमान नेताओं को संदेश मिल गया कि उनसे क्या उम्मीदें हैं। शोर शराबे के बाद राजनाथ ने भाषण शुरू किया तो उनकी जुबान पर भी मंदिर की बात आ ही गई। उन्होंने फिर उसी अंदाज में कहा कि मंदिर बनने से कोई ताकत रोक नहीं सकती। आज के अवसर पर इससे ज्यादा कुछ न कहते, बार बार आपके पास अगर ये बात कही आने की भव्य मंदिर निर्माण के, ये मैं कहना चाहता हूं, भव्य निर्माण के प्रति हम लोगों की प्रतिबद्धता है, इस पर संदेह नहीं किया जाना चाहिए। भव्य मंदिर का निर्माण दो मंदिर को लेकर नारेबाजी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के माइक थामने पर भी शुरू हो गई। फिर क्या अपने ही सूबे में मंच पर मौजूद योगी ने मंदिर को लेकर कोई दम भरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। यहाँ खड़ा हुआ कुछ लोगों ने कहा कि राम जन्मभूमि के बारे में कुछ लोग बोल रहे थे कि जो राम भला मंदिर योगी यही नहीं रुके, उन्होंने मंदिर के बहाने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को भी घेर लिया, जिन्होंने हालिया चुनाव में मंदिर मंदिर जाकर बीजेपी के हिंदुत्व को सॉफ्ट हिंदुत्व से जवाब दिया। राम मंदिर बीजेपी के चुनावी एजेंडे में हमेशा से रहा है। 2019 भी इससे अछूता रहेगा ऐसा नहीं है, लेकिन 2019 से पहले बीजेपी खुद अपने ही बिछाए चक्रव्यूह में उलझ गई है। राम मंदिर पर अब लोगों के सब्र का बांध टूट रहा है। न सिर्फ साधु संत और संघ बल्कि लोग भी सवाल दागने लगे हैं, इसका रास्ता क्या होगा? जब सूबे और केंद्र में बीजेपी की सरकार है तो कानून बनाने का रास्ता क्यों नहीं अख्तियार करते? लखनऊ में उठी नारेबाजी भी इन्हीं सवालों की एक बुलंद आवाज थी। दिल्ली तक के वीडियोस को देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं।